जेनिफर विंगेट ने अपनी बोल्ड और सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपने फैंस के बीच चर्चाओं में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती रहती हैं। और अब जेनिफर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ अपना बोल्ड और सिजलिंग फोटोशूट शेयर किया है। इस फोटोशूट में वो बिकनी पहने हुए पानी में आग लगाती दिख रही हैं। जेनिफर विंगेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बिकनी फोटो शेयर की है, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। इन तस्वीरों में जेनिफर स्टाइलिश डॉट बिकनी पहने झील के किनारे बैठकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं। और इन तस्वीरों में खूबसूरत नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये फ़ोटो उन्होंने किसी वैकेशन पर ली हैं। जेनिफर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। और कई फैंस ने तो ऐलान कर दिया है कि एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस से पानी में आग लगा दी है। वहीं जेनिफर इससे पहले भी अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उनका ये लुक फैंस को खूब पसंद आया है। जेनिफर विंगेट टीवी की क्वीन कही जाती हैं। वो जिस टीवी शोज में नज़र आती हैं उसकी TRP आसमान छूने लगती है। जेनिफर विंगेट बेहद सरस्वती चंद्र और बेपनाह जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं और उन्होंने वेब सीरीज कोड एम के जरिए OTT पर डेब्यू भी किया है। वो कई फिल्मों में भी साइड रोल कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें बड़े पर्दे पर कुछ खास पहचान नहीं मिली। वहीं करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी टीवी इंडस्ट्री की सबसे दिलचस्प और फेमस स्टोरीज में से एक रही है। दोनों की पहली मुलाकात टीवी सीरियल दिल मिल गए की शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां से इनका प्यार परवान चढ़ा और फिर साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और साल 2015 में ये लव कपल अलग हो गया। वहीं दोनों के तलाक की वजह करण का दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित होना था। करण से अलग होना जेनिफर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जेनिफर इस शादी के टूटने के बाद कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी। उनका दिल इस कदर टूट गया था कि आज भी एक्ट्रेस शादी और प्यार से कोसों दूर है। तब एक्ट्रेस ने कहा था कि तलाक के बाद से वे एकदम टूट गई थी और अकेले रहने लगी थी, क्योंकि वो दौर उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया और उस दौर से बाहर निकालने में उनकी मदद की।